प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को यह पाइपलाइन समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये एक देश एक गैस ग्रिड के निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल ने किया है। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार इस पाइपलाइन की प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की परिवहन क्षमता है और ये कोची से तल्लीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल से मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगा। ये एर्नाकुलम, त्रिशूल, साथ ही पलक्कड़, उसके अलावा कई अन्य जगहों में कई अन्य जिलों से गुजरेगा। इस परियोजना की पूरी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जानी है। 3,000 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है, यानी कि बहुत ज्यादा राशि इसमें निवेश की गई है। तो लाभ कितना इससे मिलेगा, क्या कुछ फायदे इससे जिस एरिया में इसे स्थापित किया गया है वहां की जनता को खास तौर पर मिलेगा? राजकुमार, बिल्कुल ईशानी, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ये जो परियोजना है, इस परियोजना का लाभ लाखों लोगों को मिलेगा और इंटरस्टेट दो राज्यों के बीच एक सामंजस्य बिठाने का ये एक निर्णय है। और क्योंकि हिंदुस्तान को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र एक सरकार और एक कानून के तहत ये सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और क्योंकि कुछ जब तक जनता को समर्पित लाभ ना मिले तब तक उस सरकार का कोई योगदान नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता इसी योजना को लेकर। क्योंकि पॉल्यूशन, प्रदूषण एक ऐसी बीमारी धीरे धीरे बनती जा रही है, जो बहुत सारे महानगर ऐसे हैं कि उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, उसी के तहत इसको ये जो परियोजना है, इस परियोजना में सालों लगे हैं और विशेषज्ञों का मानना ये है, जानकारों का मानना ये है कि इससे तकरीबन चेन्नई और कोच्चि के बीच में जो ये पाइपलाइन जो 450 किलोमीटर का जो एरिया है, इस 450 किलोमीटर के एरिया में जितनी जनता रहती है उसके अलावा जो भी फ्लोटिंग पॉपुलेशन उधर से निकलती है वो सारी चीजें हैं, ये प्राकृतिक गैस लाइन जो है, ये पाइपलाइन उन सबको समर्पित है। और इससे जो बेनिफिट होंगे, इससे बेनिफिट आने वाले समय में पर्यावरण पर बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि पर्यावरण के लिए हितैषी इसे कहा जा रहा है। साथ ही घरों की अगर हम बात करें तो पीएनजी के रूप में लोगों को घरों में सस्ता ईंधन मिलेगा, इसके अलावा सीएनजी भी लोगों को मिलेगा, यानी कि लाभ इससे काफी ज्यादा लोगों को मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच रोजगार से अगर हम इसे जोड़कर देखें तो रोजगार के लिए कितना ज्यादा मददगार ये साबित होगा? बड़ी संख्या में इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना ये देश के लिए है। राजकुमार, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम पदार्थों की यदि बात करें, पेट्रोल पदार्थों के यदि दामों की बात करें तो बड़ी तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं। जी, इसको आम आदमी की पकड़ से बाहर निकलते हुए तो उसके विकल्प के तौर पे इसको हम देख सकते हैं, विकल्प के तौर पर, क्योंकि सीएनजी, पीएनजी और ये सब चीजें जो है ये सब अभी बड़े सस्ते हैं और हमारे पास इसका भंडारण बहुत है। जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों का मानना ये है कि बहुत सारे कई दशकों तक हमें कहीं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हमें खाड़ी देशों की तरफ ताकना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक बहुत नुकसान होता है, तो उसके विकल्प के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस तरह की परियोजनाएं और तेजी से बढ़ेंगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।